कि कुछ भी हो जाए भाई, प्लेन में बादल इम्पोर्टेंट होने चाहिए भाई। आप हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल रेडी होके क्यों खड़ा हूँ तो आपको मैं बता दूं कि मैं जा रहा हूँ चेन्नई, वो भी बाय एयर। और मैं फर्स्ट टाइम प्लेन पे बैठूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, कभी मैंने प्लेन पास से भी नहीं देखा। तो ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह जो भी है खर्चा, वो प्रोडक्शन दे रही है मुझे, मेरी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा, मैं सही बताऊं। और क्या लाइफ है यार, मतलब अपने पैसे कुछ भी नहीं लग रहे, सारा प्रोडक्शन पेमेंट कर रही है। एक्ट्रेस की लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है, बट उसके पहले ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाती है, विरासत में मिलती है, ट्रैवलिंग, फेम वेम, पैसा वैसा सब कुछ, बट उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। काम तो मिल ही जाएगा आपको, बट पेशेंस लेवल बहुत मस्ट है। बैग वैग सब पैक है, कैब नीचे वेट कर रही है और बस हमें जाकर बैठना है और उसके बाद एयरपोर्ट जाना है। व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूंगा, तब तक के लिए चलते हैं। भाई मैं लेट हो रहा हूँ, कैब वेट कर रही है नीचे। तो गाइस मैं अपनी कैब में बैठ चुका हूँ, तो अभी 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है वहाँ जाने के लिए। सीरियसली गाइस, बाहर बहुत कोहरा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। भैया ने चारों इंडिकेटर ऑन कर रखे हैं और जीरो विजिबिलिटी है। और मेरी जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 1 से है, तो 8:25 की फ़्लाइट है। तो गाइस अभी जो है एरो सिटी में एंटर कर लिया हमने, तो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स। तो एयरपोर्ट पहुंच गए हम, भाई साहब कितनी भीड़ है, गाड़ियों की गाड़ियाँ। एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूं, आई हैव नो आइडिया कि अब क्या करना है, बाकी मैं अभी किसी से पूछता हूं। मेरे साथ के जो एक्टर्स थे वो भी नहीं पता कहाँ हैं, उनसे ढूंढना पड़ेगा उनको। गाइस अभी सिक्योरिटी चेक इन हो गया, आधार कार्ड दिखा के, टिकट दिखा के अंदर एंट्री मिल तो गई। अब देखते हैं कि कहाँ जाना है। भाई है तो बहुत तगड़े काम है ये भी, एयरपोर्ट पे भी आने के कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, एक बार मैं पूछ। गाइस ये देखिए भाई साहब, बहुत ही बड़ा है। बाकियों का मेरे को आइडिया नहीं कि बाकी इससे भी बड़े हैं नहीं, बट मेरे लिए अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बड़ा है। अभी जो मैं अपना लगेज चेक करवा रहा हूँ। तो गाइज हम अभी वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में, मेरा बोर्डिंग पास आ गया है और मेरे साथ बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी मतलब सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो है इनका नाम है ऋचा कपूर और बहुत ही फेमस एक बॉलीवुड मूवी आई थी, दैट इज़ गुड न्यूज़, और उसमें अक्षय कुमार की जो मदर बनी थी वो ये थे। तो इनके साथ मेरी फ़्लाइट है और इन्हीं के साथ मेरा शूट है। काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे मिलके मुझे, हाय कर, थैंक यू। तो अभी जो है वेट कर रहे हैं हम, तो अभी हम इस बस में बैठ के प्लेन के पास जा रहे हैं। देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा कोहरा है। ओ भाई साहब, भाई जितना दिखता है ना छोटा ही, उतना है नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा है यार ये। What the fuck? भाई बहुत ज्यादा शोर है इसका, बहुत ज्यादा नॉइस है, और देखो कितना बड़ा है भाई ये। वीडियो में आपको छोटा नजर आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा है यार। से देखो भाई ऐसा लग रहा है बादल में कोहरा बहुत ज्यादा है, आंखों देखा पता चलता है कि मतलब अभी तो बादलों की ऊंचाई में जाएंगे, बादलों की ऊंचाई में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो भाई बीच वाली सीट मिली है पर मैं सर से चेंज कर लूंगा, सर को बोलूंगा मैं थोड़ी बीच सफर में मेरे को खिड़की पे आने दे, क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है। अभी पता नहीं कोहरे में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। ये देखिए से थोड़ा छोटा है, बाकी ठीक है, सॉफ्टवेयर है। सरकारी नियमों के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का। तो गाइस अभी हमारी फ्लाइट जो है डिले है, क्योंकि बाहर फॉग बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी हम 1 घंटे से बैठे ही है इसमें। दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नहीं दिख रहा, विंग्स के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो फाइनली गाइस अब प्लेन चला है, 10 बज रहे हैं, 8:32 की फ्लाइट थी, 8:25 की, और अब चला है।
मैं दिखाता हूँ आपको, मैं नींद में सो गया था, बोर हो गया यार बैठ के। माहौल थोड़ा गर्माया हुआ है क्योंकि यहाँ गर्मी है, दिल्ली की तरह ठंड नहीं है यहाँ। तो ये है चेन्नई एयरपोर्ट और बहुत ही अमेजिंग नाम है। और अब जा रहे हैं अपना लगेज लेने, लगेज लेके फिर सीधा हम होटल जाएंगे। बाहर ड्राइवर खड़ा है हमारा वेट कर रहा है। और ये चेन्नई, वैसे अब हम जा रहे हैं कैब में अपनी बैठने। ड्राइवर बहुत अच्छा है, कह रहे सर वेयर आर यू सर, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड सर। ही इज वेरी स्वीट यार, लाइक प्यार से बोला थैंक यू सर। गाइस बहुत गर्मी है यार यहाँ, यहाँ के लोगों के ठीक है यार, हम दिल्ली वाले कैसे ऐसे जैकेट खा रही है, चुभ रही है बिल्कुल बॉडी पे, बहुत गर्मी है यार। ऐसे कुछ है वो इतने से टुकड़े होते हैं सुशी के। अच्छा वाइट कुत्ता ही खा लेते हैं। हाय हाय अब इसको पूछो अबे कुत्ते आलू के साथ सोना निकाल लेंगे। हम यहां के फेमस रेस्टोरेंट का खाना खाने आए हैं। क्या नाम है सर का? बुरारी बुखारी। देखो बाहर लिखा होगा, नाम नहीं पता मुझे। बुहारी 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 रेस्टोरेंट है यहाँ का फेमस। तो हम यहाँ अभी लंच कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मंगवाया है तंदूरी रोटी, कोल्ड ड्रिंक, साथ में कढ़ाई चिकन बिरयानी और चिकन टिक्का, सॉरी फिश टिक्का। हमारे को कुछ भी नहीं अच्छा लगा, दिल्ली वाले हैं दिल्ली वालों का टेस्ट अलग है। और यहाँ मतलब ऐसे फीका फीका सा बिरयानी भी ऐसे ऐसे लग रहा है पीले पुलाव बनाए हैं, उसके अंदर एक चिकन का पीस डाल। अब मैं पहुँच गया अपने रूम में। मैं बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, सुबह 4 बजे का उठा हूँ और सोया बिल्कुल भी नहीं। एक तो फ्लाइट में कान ऐसे दर्द होने लग गए ना, ऐसे हवा की पता नहीं प्रेशर से क्या होता है, और थोड़ा सा बुखार भी लग रहा था और पेट में ऐसे गुदगुदी गुदगुदी सी हो रही थी। तो अभी जो मैं रूम पे आ गया अपना सोने जा रहा हूँ बस मैं। बाकी वीडियो आपको मैं पार्ट 2 में दिखाऊँगा, ये पार्ट 1 है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, AB व्लॉग्स को, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, वायरल कर दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और AB व्लॉग्स को यार सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, गुड नाइट।